दोस्तों, आज हम इस कहानी में ऐसे पागल आदमी को देखेंगे जो अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी बेटी का तो गलत इस्तेमाल करता है और उसके साथ ही बाहर से और लड़कियों को लाकर भी खूब मज़े करता है और उनके साथ मज़े करने के बाद उन लड़कियों के साथ क्या करता है, हमें इस मूवी में दिखाया गया है। तो आप एंड तक बने रहिए और उस फिल्म में क्या क्या होता है जानिए। मूवी की शुरुआत में हम जॉन नाम के आदमी को देखते हैं कि जो अपनी बेटी के साथ मज़े करके उठा हुआ होता है। इसके बाद ये दोनों एक नाइट क्लब में जा रहे होते हैं ताकि वहाँ से किसी लड़की को ला सके। तभी वहाँ पर उनको एक लड़की दिखती है। उसके बाद वह जो वहाँ पर जाकर उनके पास बैठ जाती है और बात करने लगती है। उसके बाद वह दोनों उसे अपने घर ले आते हैं। उसके बाद जॉन उसके साथ पहले मज़े करता है, उसके बाद उसे एक रूम में ले जाकर छोड़ देता है। जैसे ही लड़की उस रूम में जाती है और रूम को देखकर वह डर जाती है क्योंकि वह रूम टॉर्चर रूम होता है और वह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, मगर जॉन उसे पकड़ लेता है और फिर उसे वह टॉर्चर करने लगता है। और यह सब देखकर जो अपने कान बंद करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ऐना होता है, जो कि रोड पर चल रही होती है। उसे एक पुलिस वाला दिखाई देता है और वह उसे लिफ्ट दे देता है। तभी वो आपस में बातें करने लगते हैं और वहीं पर ऐना को काफ़ी मिसिंग लोगों लड़कियों की पोस्टर दिखाई देते हैं। तो ऐना पुलिस वाले से पूछती है कि आखिर इस शहर में हो क्या रहा है। तब पुलिस वाला बताता है कि शहर में एक साइको किलर घूम रहा है जो लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें मार देता है। इसके बाद हम वापस से जॉन और जोय को देखते हैं जो कि फिर से अपना नया शिकार ढूंढने नाइट क्लब में जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक नई लड़की मिल जाती है। इसके बाद जॉन उसे भी अपने घर ले आता है और फिर उसे काफ़ी टॉर्चर करके उसे भी उसी रूम में बंद कर देता है। और इसके बाद हम जोय को देखते हैं जो कि एक गन लेके उस रूम के अंदर आती है और अपने फादर के ऊपर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन वो अपने फादर को नहीं मारती बल्कि उसी लड़की को मार देती है जिसे उसका फादर टॉर्चर कर रहा होता है। इसके बाद हम पुलिस वाले को देखते हैं जो कि साइको किलर को ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर उस पुलिस वाले की गाड़ी ख़राब हो जाती है और वह एक गैरेज में अपनी गाड़ी को बनवाने के लिए जाता है, जहाँ पे वहाँ जोय बैठी हुई होती है। वह पुलिस वाला जोय से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जोय उसे कोई जवाब नहीं देती है। उसके बाद हम जॉन और उस पुलिस वाले को देखते हैं जो गाड़ी को बनवाने के लिए दूसरा गैरेज में ले जाते हैं और वह पुलिस वाला जॉन से भी बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह जॉन उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता है, जहाँ पर उस पुलिस वाले को जॉन पे कुछ शक होता है और फिर वह वापस अपने डिपार्टमेंट में आने के बाद उसकी पूरी जानकारी निकालने के लिए कहता है। इसके बाद जब रात होती है तो जॉन और जोय वापस से वह नाइट क्लब में जाते हैं, जहाँ पर उसे वह ऐना नाम की लड़की दिखाई देती है, जहाँ पर ये दोनों ऐना के पास जाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। और जॉन के बाहर जाने के बाद जोय उस ऐना से कहती है कि वह यहाँ से चली जाए, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती और वो भी उन लोगों के साथ घर आने के लिए तैयार हो जाती है। और उसे भी घर लाने के बाद वह उस टॉर्चर रूम में ले जाता है और उसे भी वहाँ पर टॉर्चर करने लगता है। उसके बाद हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जो कि जॉन के गैरेज की तरफ आ रहा होता है और जॉन जब ऐना को टॉर्चर कर रहा होता है तब उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है, तो जॉन बाहर देखने के लिए चला जाता है। इधर हम ऐना को देखते हैं जो अपनी हेडपिन की वजह मदद से अपनी हथकड़ी को खोल लेती है और वहाँ से चली जाती है। और जब जॉन अंदर आता है तो वह देखता है कि वहाँ पर ऐना नहीं है, तो वह हड़बड़ी में घबरा जाता है और बाहर ऐना को ढूंढने चला जाता है। और बाहर ऐना एक चाकू लेकर बैठी हुई होती है। जैसे ही जॉन उसके पास आता है वह उसके पैर पर हमला कर देती है और वह घायल हो जाता है और वह उसी टॉर्चर रूम में वापस आ जाता है और ऐना भी उसके पीछे पीछे उसी टॉर्चर रूम में वापस आ जाती है और फिर वह जॉन पे हमला कर देती है। उसके बाद हम जॉय को देखते हैं जो कि गन लेकर आ जाती है और इस बार जॉय अपने फादर पे ही गन पॉइंट करके अपने फादर को ही शूट कर देती है क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया था कि उसका फादर गलत काम कर रहा है और वह ऐना की लाइफ को बचा लेती है। और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।